आज हम आपको एक ऐसे राम भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। इनका नाम रितेश कुमार गुप्ता है, जो पेशे से भले ही ई रिक्शा चालक हैं, लेकिन राम भक्ति इनके कण कण में है। रितेश कुमार गुप्ता उर्फ टिंकू का कहना है कि वो बचपन से ही अपनी बुआ के घर लोहापट्टी बलिया में रहते हैं। 6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख थी जिस दिन वो अयोध्या पहुंचे थे और इसी दिन विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। वहां से उन्होंने ईंट और पत्थर लेकर रातों रात एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसमें भगवान राम को विराजित कर दिया। 7 दिसंबर को जैसे ही वो बलिया लौटे तो ऑगडेनगंज में उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें खूब पीटा, लेकिन अब जब राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो वो और उनके जैसे कई आंदोलनकारी हैं जो बहुत खुश हैं। रितेश गुप्ता बताते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आज फिर वही उत्साह, वही उमंग और वही जोश फिर आ गया हो, क्योंकि देश के कई लोगों का सपना अब साकार हो रहा है। प्रभु श्री राम फिर अयोध्या आ रहे हैं। मेरा नाम रितेश कुमार गुप्ता उर्फ टिंकू है। यहाँ पर बुआ के घर पर बलिया में लोहपट्टी में रहते थे। बलिया में हम अभी आज वर्तमान में रिक्शा बलिया में हम चलाते हैं। रिक्शा ऑटो ई रिक्शा चलाते हैं। क्या रहा, क्या हुआ था आप लोग अयोध्या गए? अयोध्या हम लोग 1992 में 6 दिसंबर को 5 तारीख को यहाँ से हम लोग गए, 6 को वहाँ पहुँचे। 6 को पहुँचे वहाँ पे तेजा पंडा के पास थे, वहाँ से निकले हम लोग तो वहाँ भाषण उषण चल रहा था। भाषण उषण देखे और देखने के बाद वहाँ पर जो ये ढांचा था वहाँ पर हम लोग उसको ध्वस्त किए। ध्वस्त करने के बाद वहाँ से हम लोग ईटा उटा सब जितना था सब सफाया कर ईटा उटा लेकर हम लोग अपने तेजा पंडा के पास आ गए। तेजा पंडा के पास हम लोग सोए थे। सोने के बाद वहाँ से निकले हम लोग, तेजा पंडा शाम को रात में बोले शाम में कि आप लोग जाइए वहाँ पे, तो वहाँ पर फिर नेव का राम जी का जो था नेव करण अपना वहाँ पर हुआ। होने के बाद हम लोग 7 तारीख को वहाँ से निकले बलिया के लिए। बलिया के निकले हम लोग वहाँ से अपना जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकले। स्टेशन के बाहर ओल्डेनगंज पुलिस चौकी के पास हम लोग गिरफ्तारी हो गया। गिरफ्तारी होने के बाद हम लोग फिर रात में हम लोग वहाँ कोतवाली गए। कोतवाली जाने के बाद वहाँ पर रात को हम लोग को आदेश कक्ष से बुलाकर दो तरफी डंडा से पीटा गया। पीटने के बाद हम उसके बाद 8 तारीख को हम लोग जेल चले गए। जेल में 15 दिन थे, लगभग 15-16 दिन लगभग हम लोग थे। अब तो राम मंदिर का उद्घाटन जी, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अभी उस समय 1992 में जो हम लोग हैं उसी समय का जो अभी भी हम लोग देह में समझिए कि इतना ही आ गया कि कब हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोगों तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है दोनों आदमी को धन्यवाद करते हैं कि हम लोग राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हुआ और मूर्ति और वहाँ स्थापना हुआ और मंदिर बना, हम लोग को बहुत खुशी है। ये थी रितेश कुमार गुप्ता की कहानी। जुड़े रहिए हमारे साथ, राम मंदिर और राम भक्ति से जुड़े ऐसे कई लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे।